खबर रीवा से है, जहां मऊगंज बस स्टैंड के अंदर युवक की हत्या के बाद घटना और हालातों का जायजा लेने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन घटना स्थल पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार की रात्रि छोटेलाल गुप्ता उर्फ पुक्का की डंडे और रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें एसडीओपी नवीन दुबे के कुशल नेतृत्व में मऊगंज थाना प्रभारी ने तीन आरोपियों को 24 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो आरोपी अभी फरार हैं। मऊगंज दौरे के दौरान कलेक्टर और एसपी ने संकेत दे दिया है कि हत्या के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जा सकता है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया